नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशन में आज जानते हैं 430 वोल्ट की एलटी लाइन जो कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, उसमें कंडक्टर किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से कंडक्टर इंसुलेशन के साथ क्रॉस आर्म्स पे लगते हैं, वो क्रॉस आर्म्स कैसी होती हैं। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो में हमने एलटी लाइन के इंसुलेटर, गाई, स्टे सपोर्ट, अर्थिंग और मिसलेनियस दूसरे आइटम्स के बारे में जाना है और दो और वीडियो में एलटी लाइन की डिजाइन को भी समझा है। आप इन वीडियो की मदद से अपनी विषय समझ को अच्छा कर सकते हैं। आज समझते हैं एलटी लाइन में कंडक्टर, सपोर्ट और क्रॉस आर्म्स को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन अनेक पावर प्लांट्स जो न्यूक्लियर, थर्मल, हाइडल या नॉन कन्वेंशनल सोलर और विंड पावर हो सकते हैं, वहां बल्क अमाउंट में किया जाता है। जनरेशन के समय इलेक्ट्रिक पावर का वोल्टेज लेवल 11 केवी या 33 केवी रखा जाता है। ये जनरेटिंग पावर प्लांट्स हैं, वो कंज्यूमर के लोड सेंटर्स पे जहां इलेक्ट्रिसिटी का मैसिव कंजम्पशन है उनसे यूजुअली बहुत दूर होते हैं। तो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन के मदद से जहां कंडक्टर्स को इंसुलेटर के ऊपर सपोर्ट करके पोल स्ट्रक्चर पे ग्राउंड से सेफ क्लियरेंस के साथ रखा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से कंजम्पशन पोजीशंस तक ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पावर ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज के लेवल को जनरेशन वोल्टेज लेवल से स्टेप अप किया जाता है ताकि हमारा बल्क इलेक्ट्रिक पावर लॉन्ग डिस्टेंस पे जो पावर ट्रांसमिशन कर रहा है वो इनिशियल कॉस्ट में इकोनॉमिक हो जाए और उसमें लॉसेस कम होने से ओवरऑल एफिशिएंसी पावर ट्रांसफर की इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जब हम हायर वोल्टेज पे पावर ट्रांसफर करते हैं तो लाइन के दोनों तरफ सबस्टेशन पे जो टर्मिनल इक्विपमेंट्स कंट्रोल और प्रोटेक्शन के हम इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम टावर इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइज, क्रॉस आर्म्स की स्पेसिंग्स ये इंक्रीज हो जाती है, हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन की लागत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज इंक्रीज करने से कंडक्टर कॉस्ट और लाइन में लॉसेज की कॉस्ट हायर वोल्टेज पे कम होती है, वहीं टर्मिनल इक्विपमेंट और इंसुलेशन की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो हम किस वोल्टेज लेवल पे पावर को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करें वो ऑप्टिमम वोल्टेज लेवल डिपेंड करेगा, पावर की कितनी अमाउंट है जिसे ट्रांसमिट किया जा रहा है और पावर ट्रांसफर लाइन की लेंथ कितनी है। अगर एल ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ किलोमीटर में हो और ये 3P थ्री फेज लाइन की टोटल किलोवाट पावर ट्रांसफर हो तो ऑप्टिमम वोल्टेज का लेवल इस इंपीरिकल रिलेशन से निकाला जा सकता है जो बताता है ज्यादा लेंथ और ज्यादा पावर होने पे लाइन की ऑप्टिमम वोल्टेज लेवल ज्यादा रखनी चाहिए। पुराने जमाने में जब पावर लेवल्स ज्यादा नहीं थे तो ज्यादातर डिसीजन लेंथ से लाइन की वोल्टेज के होते थे, लेकिन इन दिनों बहुत कम लेंथ पे भी बहुत ज्यादा पावर ट्रांसफर होने से हम छोटी लेंथ की लाइन भी हायर वोल्टेज की ले सकते हैं। जब कंज्यूमर के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है तो अमाउंट पावर की और लेंथ जहां हमें पावर अब आगे ले जानी है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो छोटी छोटी होती जाती है, तो हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेजेस को हम ग्रेजुअली सेकेंडरी ट्रांसमिशन की जो 132 केवी वोल्टेज है उसे डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइमरी लेवल पे 33 और सेकेंडरी लेवल पे 11 केवी कर लेते हैं। कंज्यूमर के पास जब पावर लेवल्स इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स के कम हो गए हैं तो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना अनइकोनॉमिकल भी है और अनसेफ भी है, तो हमें इलेक्ट्रिक पावर के वोल्टेज लेवल को सेफ वर्किंग वोल्टेज लेवल पे रिड्यूस करने होते हैं और ये काम हम 11 केवी की वोल्टेज को पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट की थ्री फेज फोर वायर सप्लाई बनाकर करते हैं। 11 केवी की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वोल्टेज को हम एक पोल माउंटेड सबस्टेशंस पे रखे हुए ट्रांसफार्मर को देते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग 25 केवीए से कम है तो उसे एक सिंगल पोल पर लगाया जा सकता है और अगर वो 125 केवीए तक है तो डबल पोल के एच स्ट्रक्चर पे हम ट्रांसफार्मर को एसोसिएट कंट्रोल और प्रोटेक्शन के डिवाइसेज के साथ इस्तेमाल करते हैं और वहां हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की 11 केवी हाई टेंशन वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम 440 वोल्ट थ्री फेज की लाइन टू लाइन के बीच में 440 वोल्ट और फेज और न्यूट्रल के बीच में सिंगल फेज की 230 वोल्ट सप्लाई हम थ्री फेज फोर वायर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और ये थ्री फेज फोर वायर एलटी सप्लाई 440 वोल्ट की कंज्यूमर पोजीशंस के पास सर्विस कनेक्शंस की टेपिंग्स के लिए ले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ थ्री फेज फोर वायर
440 वोल्ट की ये एलटी सप्लाई लाइन को हम कस्बे की हर स्ट्रीट और एरिया में कंज्यूमर के घरों पे सर्विस कनेक्शंस देने के लिए ले जाते हैं। यहाँ ये जो चार तार इस्तेमाल किए हैं उसमें ये तीन लाइन तार के क्रॉस सेक्शन एरिया आइडेंटिकल लिए जाते हैं और वहीं इस चौथे न्यूट्रल वायर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया फेज के कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया से आधा लिया जाता है और आखिर में इस एलटी लाइन को हम कंज्यूमर के घर के बिल्कुल पास ले जाते हैं और वहां पोल पे टेपिंग से एरियल बंच्ड केबल की मदद से हम एक ओवरहेड या अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर को इन एलटी लाइन से प्रोवाइड कर देते हैं। सभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की भांति ही एलटी लाइन में भी कंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट और महंगा सिंगल आइटम है। हम एलटी लाइन में ACSR जिसका मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील के साथ रीइंफोर्स्ड उनका इस्तेमाल करते हैं जिनमें न केवल अच्छी करंट कैपेसिटी है बहुत बेहतरीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने के कारण हम इन्हें लंबे 55 मीटर जैसे स्पान की भी एलटी लाइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ACR कंडक्टर का ये जो सेंट्रल स्टील पोर्शन है ये लाइन में मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और बाहर के ये जो एल्यूमिनियम के हाई प्योरिटी के एनील्ड वायर है ये लाइट वेट के साथ बढ़िया करंट कैरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हम छोटे क्रॉस सेक्शन के मल्टी स्ट्रैंड वायर का इस्तेमाल करते हैं तो वायर को हैंडलिंग करने में हमें फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। जो स्टैंडर्ड ACSR कंडक्टर हम एलटी लाइनों में इस्तेमाल करते हैं वो सबसे छोटा एल्युमिनियम एरिया 20 mm स्क्वायर का है जिसे हम ट्रेड नेम स्क्वेल से बोलते हैं। इसमें 7 स्ट्रैंड है उसमें से एक सेंट्रल स्ट्रैंड 2.11 mm का स्टील का है और बाकी 6 आउटर स्ट्रैंड्स एल्युमिनियम के हैं और ये 20 mm स्क्वायर एल्युमिनियम एरिया 75 से 120 एम्पियर करंट कैपेसिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे स्क्वेल कंडक्टर को हम कम करंट की लाइनों में न्यूट्रल वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिनमें स्क्वेल न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां हम रैबिट को जिसका 50 square mm एल्युमिनियम एरिया है जिनमें 3.35 mm के 7 स्ट्रैंड एक स्टील का और 6 एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल करते हैं और ये 150 से 240 एम्पियर करंट तक कैरी कर सकता है। बड़ी करंट कैरिंग कैपेसिटीज के लिए हम रैकून या डॉग कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉग जिसका 100 mm स्क्वायर एरिया है इसमें रीइंफोर्समेंट के लिए स्टील के 7 स्ट्रैंड 1.57 mm के हम इस्तेमाल करते हैं और 6 आउटर स्ट्रैंड 4.72 mm के एल्युमिनियम के 100 square mm एरिया में 250 से 360 एम्पियर तक की करंट कैपेसिटी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। और जब हम डॉग को लाइन कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैबिट को हम न्यूट्रल वायर के लिए जिसका एरिया लाइन कंडक्टर से आधा है 50 mm स्क्वायर उसका इस्तेमाल हम न्यूट्रल वायर के लिए करते हैं। इन दिनों हम हाई वोल्टेज की लंबे स्पान की लाइनों में जिनमें बहुत ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी भी है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो एल्युमिनियम का सिलिकॉन मैग्नीशियम के साथ एक एलॉय है जिसकी स्ट्रेंथ और लाइट वेट कैरेक्टरिस्टिक ACSR कंडक्टर से भी बेहतर है लेकिन ये ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो छोटी एलटी लाइन पे हम जहां स्पान बहुत छोटे हैं 30 या 40 मीटर वहां हम ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो रिफाइंड हाई प्योरिटी 99.7% प्योरिटी के एल्युमिनियम के मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स हैं और छोटी स्पान की लाइनों में कम रेजिस्टेंस के ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स ज्यादा एफिशिएंट हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को बना देते हैं और यहां हम स्टील की रिइंफोर्समेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारे कंडक्टर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई है इसलिए हम ज्यादा स्पान के साथ इन लाइनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे छोटा जो साइज है वो 25 square mm का ZNet है जिसमें 2.21 mm डायामीटर के 7 स्ट्रैंड्स हम एल्युमिनियम के इस्तेमाल करते हैं और 1 किलोमीटर लेंथ का वेट 74 kg आता है। इसमें करंट कैपेसिटी कम 120 एम्पियर है। अक्सर जान कंडक्टर का इस्तेमाल हम कम करंट की लाइनों में न्यूट्रल वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़े साइज में 8 50 square mm में 7 स्ट्रैंड 3.10 mm डायामीटर के हैं वहीं वास्प में 7 स्ट्रैंड 4.39 mm डायामीटर के हैं और इसका एल्युमिनियम एरिया 100 square mm करंट कैरिंग कैपेसिटी 295 एम्पियर के आसपास है। वहीं बड़े साइज के लिए हम प्योनी और स्पाइडर कंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा 500 एम्पियर करंट तक की कैपेसिटी के लिए स्पाइडर कंडक्टर है। उसमें 3.99 mm के 19 कंडक्टर इन 6 कंडक्टर के ऊपर हम 12 कंडक्टर की एक और लेयर इस्तेमाल कर
करते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और टोटल एल्युमिनियम क्रॉस सेक्शन एरिया 240 mm square 500 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकता है। ध्यान रहे हम जब लाइन में कंडक्टर लेते हैं तो लाइन कंडक्टर से न्यूट्रल का कंडक्टर का एरिया आधा लिया जाता है, तो अगर हमने वास्प कंडक्टर को लाइन में इस्तेमाल किया है तो आंट का इस्तेमाल हम न्यूट्रल में कर सकते हैं। ओवरहेड लाइंस में हम बेयर कंडक्टर के चारों तरफ एयर को स्पेसिंग के साथ इंसुलेशन के बतौर इस्तेमाल करते हैं, तो कंडक्टर को हम लाइन सपोर्ट पोल पर माउंट करते हैं जहां लाइन कंडक्टर को इंसुलेशन के ऊपर प्लेस करते हुए ये जो पोल सपोर्ट है वो लाइन टू लाइन, लाइन टू न्यूट्रल और लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करता है। हम एलटी लाइंस के लिए रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के पोल या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के लाइन सपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइन सपोर्ट कंडक्टर के वेट इंसुलेशन के कारण जो लोड आता है उसको आइस डिपोजिशन और तेज विंड फोर्सेस के कंडीशंस पे भी विदस्टैंड करने चाहिए। पोल इकोनॉमिक होने चाहिए, इनमें लाइफ अच्छी होनी चाहिए, इन्हें लगाने और मेंटेनेंस करने में ज्यादा परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अगर एक ट्रांसमिशन लाइन परफेक्ट अलाइंड स्ट्रेट है तो वर्टिकल प्लेस पोल सिर्फ कंडक्टर के वेट को सपोर्ट करता है, जो दोनों तरफ लॉन्गिट्यूडिनल पुल है कंडक्टर्स का वो बराबर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर कोई लाइन टूट जाती है तो एक ही तरफा जो लॉन्गिट्यूडिनल अनबैलेंस्ड फोर्स कंडक्टर के कारण पोल स्ट्रक्चर पर बनता है वो अगर एक्सेसिव हो जाता है तो वो पोल को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टेढ़ा करता है और तीन और चार सक्सेसिव स्पान में पोल टेढ़े होने के बाद लॉन्गिट्यूडिनल जो अनबैलेंस लोड आ रहा है उसके असर को कम कर देते हैं। हम लाइन में टेढ़े होने की ये जो प्रवृत्ति है वो बहुत लंबी दूर तक ना चले इसके लिए रिजिड एंकरिंग सपोर्ट जो अच्छी कंडीशंस में डबल पोल स्ट्रक्चर हो सकते हैं या बढ़िया स्टे अरेंजमेंट के साथ सिंगल पोल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उन्हें हम 1 किलोमीटर के इंटरवल में बीच में एक यानी आधा आधा किलोमीटर की दूरी पे हम लगा सकते हैं और इस तरह के जो डबल पोल रिजिड एंकरिंग सपोर्ट्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस को काटने का काम करेंगे और हमारे कंडक्टर की सेगिंग को सपोर्ट करेंगे। हमारी लाइनों में हल्के एंगुलर बैंड्स आ सकते हैं तो सारी एंगल पोजीशंस जो डेविएशंस की बनती हैं लाइन पे कहीं हम टी ऑफ सप्लाईज लेते हैं कहीं बहुत तेज ग्रेडियंट लोकेशंस आ जाती हैं या हमारे स्टार्ट और एंड के जो टर्मिनल एंड लोकेशंस वहां पर हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस की स्ट्रेसेस से पोल में कोई डैमेज ना आए तो वहां पर लॉन्गिट्यूडनल अनबैलेंस फोर्स पोल के स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे तो हम पोल के साथ एक स्टे या गाई सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सिंगल पोल स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रेट क्रॉस बार्स पे पिन इंसुलेटर के साथ लाइन को सपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब लाइनें स्ट्रेट अलाइंड पोजीशंस पे हों और हमारा डेविएशन 10 डिग्री से कम हो तो हम डेविएशन लाइन को भी इस तरह के पिन इंसुलेटर पे आप प्लान से समझ सकते हैं। ये पोल है और लाइन आपकी अगर छोटे एंगल से डेविएट भी हो रही है तो भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर सिंपल सा एलटी लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पोल के साथ क्रॉस बार्स और लाइन और न्यूट्रल के साथ पिन इंसुलेटर और अर्थ कंडक्टर को एक अर्थ नो पे हम पोल से सेपरेट कर सकते हैं जो हमें एलटी लाइनों के लिए इंटरलाइन जो स्पेसिंग चाहिए वो बीच की लाइन में हम 450 mm लेते हैं। तीसरा हमारा लाइन कंडक्टर यहाँ आ गया है और जो न्यूट्रल और अर्थ की पोजीशंस हैं वो लाइन से अगर सैग कम है 750 mm से कम तो हम ये दूरी 300 mm ले सकते हैं और अगर हमारे लाइन में स्पान ज्यादा होने से और हम कंडक्टर ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बहुत ज्यादा टेंसाइल फोर्सेस से खींच नहीं सकते, सैग थोड़ा ज्यादा है 750 mm से भी ज्यादा, तो लाइन और न्यूट्रल और लाइन और अर्थ के बीच में भी ये सेपरेशन 450 mm हो सकता है। तो सिंपल क्रॉस बार्स पे पिन इंसुलेटर लगा के हम कंडक्टर टू कंडक्टर और कंडक्टर टू ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर लाइन में डेविएशन 10 डिग्री से ज्यादा है तो हम सिंगल पोल पे स्ट्रेट क्रॉस बार्स पे पिन इंसुलेटर की बजाय शेकल टाइप टेंशन इंसुलेटर को हम डी क्लैंप या स्ट्रेप में माउंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखिए कि इस क्रॉस बार्स के दोनों तरफ क्लैंप्स में शेकल इंसुलेटर स्ट्रेन टाइप हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन को मैनेज करेंगे और जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं उसे पोल पे हम स्टे अरेंजमेंट लगा के काउंटर बैलेंस कर देंगे। अगर हमारा एंगुलर डेविएशन 30 डिग्री से भी ज्यादा है तो हम एक क्रॉस बार्स के बजाय पोल पे 2 क्रॉस बार्स लगाकर शेकल टाइप टेंशन इंसुलेटर की मदद से एलटी लाइन को टावर पे कनेक्ट कर देंगे और दो लाइनों के बीच में यहाँ जम्पर से कनेक्शंस बना दिया जाएगा तो हम सभी एंगल टावर
आवर्स पे, टी ऑफ पोजीशंस पे, और जहां डिफिकल्ट क्रॉसिंग्स हैं रेल रोड या रिवर या टेलीकॉम लाइन, वहां इस तरह के शकल टाइप टेंशन इंसुलेटर की मदद से हम एलटी लाइंस को पोल सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरह की स्पेशल डबल क्रॉस आर्म्स वाले अरेंजमेंट्स को पोल पे, जहां पोल को हम स्पेशल स्ट्रेंथ का आरसीसी प्रकार का बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई टी ऑफ पोजीशंस बना रहे हैं लाइन में या 90 डिग्री के शार्प एंगल पे लाइन में बेंड आ रहा है। इस तरह के लाइन सपोर्ट्स के लिए स्पेशल प्रकार के ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा हाइट के हम टावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम नेसेसरी ग्राउंड क्लियरेंस भी बना सकें और लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस को भी विदस्टैंड कर सकें। एलटी लाइनों के सपोर्ट के लिए हम 7.5 मीटर या 8 मीटर हाइट के रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका ये जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर सेक्शन हो सकता है, जो बॉटम में ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया रखेगा और टॉप में क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ऐसे आरसीसी पोल में सेल्फ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, इनकी लाइफ लंबी है, इन पे रेन, सनलाइट और दूसरे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट का असर नहीं होता, और बिना किसी मेंटेनेंस के लंबे समय तक इनकी सर्विसेज हमें मिलती रहती है। अगर हमें एलटी लाइन में कंडक्टर का वर्टिकल अलाइनमेंट बनाना है तो पोल में सुटेबल 450 mm गैप के साथ होल्स बनाए हुए होते हैं, जहां हम इस डी या यू क्लैंप की माउंटिंग के लिए बोल्ट को इंसर्ट करके दूसरी तरफ हेक्सागोनल नट से वॉशर के साथ क्लैंप को फिक्स करके शकल टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर की फिक्सिंग कंडक्टर के लिए कर सकते हैं। हालांकि आरसीसी पोल कंक्रीटिंग और स्टील की प्रेजेंस के कारण वजन में भी भारी हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए हम स्टार्ट और एंड के टर्मिनल पोजीशंस पे सभी एंगल डिविएशन और एंकरिंग पोजीशंस पे आरसीसी पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के जो पोल हैं वो सस्ते और वजन में हल्के हैं आरसीसी पोल की तुलना में। इनमें हम राइट प्रपोर्शन में सीमेंट को कंक्रीट के साथ मिक्स करके एक मोल्ड में पोर कर देते हैं और फिर वाइब्रेटर की मदद से उसे कॉम्पैक्ट कर लेते हैं। बीच में हम कुछ स्टील वायर से स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो तो डेड एंड्स, स्टार्ट और एंड में बड़े एंगल डेविएशन पोजीशन और एंकर पोजीशंस पे हम केवल आरसीसी पोल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पोल पे लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टे गाई सपोर्ट्स की भी हम इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सारी जो इंटरमीडिएट पोल पोजीशंस है वहां पर हम सीमेंट कंक्रीट प्री स्ट्रेस्ड पोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों आरसीसी और प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स में अंदर एक जीआई का 8SWG का अर्थ वायर डाला हुआ होता है, जो ऊपर और नीचे ग्राउंड के पास 100 mm बाहर निकला हुआ होता है, और हम उस ग्राउंड वायर से क्रॉस बार्स और इंसुलेटर के नीचे के मेटलिक सपोर्ट को नीचे ग्राउंड में अर्थ इलेक्ट्रोड से और अर्थ वायर से कनेक्ट करके अर्थिंग कर सकते हैं। एलटी लाइन में दो पोल के बीच में स्पेसिंग और ग्राउंड से कंडक्टर की जो लोवेस्ट कंडक्टर की क्लियरेंस है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल 77 और 85 के अनुसार होनी चाहिए। रूल 85 कहता है कि हम एक कंडक्टर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 लेकर मैक्सिमम टेंसाइल वर्किंग स्ट्रेंथ लगाएंगे, तो जो सैग कंडीशंस हैं और टावर की जो हाइट है उससे मिनिमम रिक्वायर्ड क्लियरेंस हमें मिल जानी चाहिए। कंडक्टर पे हम टेंसाइल फोर्स उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और सेफ्टी फैक्टर के अनुसार लगाएंगे। वहीं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल 77 कहता है कि जो सबसे नीचे के कंडक्टर की मिनिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस है ओवरहेड लाइन की वो रोड के अक्रॉस 5.8 मीटर यानी 19 फिट और रोड के साथ साथ अलोंग स्ट्रीट 18 फिट या 5.5 मीटर होनी चाहिए। हम एक एलटी लाइन को नजदीक की किसी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली 4 फुट यानी 1.22 मीटर दूर और वर्टिकली 8 फिट यानी 2.44 मीटर दूर रखना जरूरी है। एक एलटी लाइन का मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी एग्जिस्टिंग या प्रपोज स्ट्रक्चर से 1.22 मीटर होना जरूरी है। 11 kV के लिए ये सेपरेशन 2.44 मीटर है, वहीं 33 केवी के लिए ये 3 मीटर हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस मस्ट है। अगर किसी स्ट्रक्चर का एलटी लाइन से हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 4 फीट से कम है तो वो अलाउ किया जा सकता है, बशर्ते कि लाइन की वर्टिकल अलाइनमेंट में ये स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए और वर्टिकल क्लियरेंस लाइन के लोवेस्ट कंडक्टिव पोर्शन से इस स्ट्रक्चर की मिनिमम 8 फीट या 2.4
44 मीटर होनी चाहिए। 11 केवी के लिए ये जो वर्टिकल क्लियरेंस है वो 12 फीट 3.66 मीटर है। एलटी लाइन में कंडक्टर में जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है और जो 2.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें मेंटेन करना है, उसके हिसाब से जब हम एलटी लाइन को लगाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए हम स्पान को 57 मीटर से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये 57 मीटर स्पान भी ACSR कंडक्टर अगर बहुत ज्यादा टेंसाइल फोर्सेस के साथ इरेक्ट किए जाएं तभी 8 मीटर के पोल्स पे पॉसिबल है। अक्सर हम 7.5 मीटर के हाइट के पोल इस्तेमाल करते हैं, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो कमर्शियली स्पान को 30 से 40 मीटर के बीच में रखा जाता है। जब हम पोल को इरेक्ट करते हैं तो फाउंडेशन पिट में इसे परफेक्ट वर्टिकली अलाइन रखना है और पोल की 1/6 पार्ट, अगर पोल 8 मीटर का है तो 1.5 मीटर हाइट अंडरग्राउंड करनी है, और अगर 7.5 मीटर के हम पोल इस्तेमाल करते हैं तो 1.4 मीटर पोल की लेंथ अंडरग्राउंड की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को पोल सपोर्ट पे एक इंसुलेशन के साथ अटैच किया जाता है, चाहे सिंगल स्ट्रेट रन में हम पिन इंसुलेटर का इस्तेमाल करें या एंगल डेविएशन या दूसरी लोकेशन में सेकल इंसुलेटर का इस्तेमाल करें। इंसुलेटर को हम पोल पे एक स्ट्रेट क्रॉस आर्म्स के ऊपर अटैच करते हैं। ये क्रॉस आर्म्स इंसुलेशन के साथ कंडक्टर को एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस के साथ रखती है और पोल से भी कंडक्टर की सेपरेशन मेंटेन रखती है। क्रॉस आर्म एक क्रॉस पीस है जो स्ट्रेट माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चरल स्टील एंगल स्ट्रक्चर है जो हम पोल के टॉप से 275 mm नीचे यहाँ एक पोल क्लैंप की मदद से नट बोल्ट वॉशर्स की मदद से कनेक्ट करते हैं। क्रॉस आर्म्स की लंबाई सफिशिएंट होनी चाहिए और वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स कंडक्टर और इंसुलेशन सपोर्ट का आएगा उसे विदस्टैंड कर सके। जो हम एलटी में क्रॉस आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो 65 mm by 65 mm की एंगल होती है जिनकी मोटाई 6 mm ली जाती है। हम इनर कंडक्टर के बीच में 450 mm का सेपरेशन रखते हैं और कंडक्टर और न्यूट्रल और कंडक्टर और अर्थ के बीच में ये सेपरेशन छोटे स्पान में 300 mm अगर लें तो टोटल लेंथ किनारे से 30 mm का क्लियरेंस पिन या शकल इंसुलेटर की पोजीशन के लिए छोड़ने पर 1110 mm है। अगर हमें थ्री फेज फोर वायर जो चार तार तीनों लाइन और एक न्यूट्रल का और पांचवा अर्थ का कैरी करता है और ऐसी 1110 mm लेंथ की 65 mm by 65 mm एंगल 6 mm थिकनेस 6 kg वेट रखती है। अगर हमारी लंबे स्पान की लाइनें हैं और सेग ज्यादा हो गया है 750 mm से भी ज्यादा तो हमें क्रॉस आर्म्स की लेंथ को 300 mm बढ़ा लेना होगा और ये जो स्पेसिंग है लाइन और न्यूट्रल और लाइन और अर्थ के बीच में इसे भी 450 mm रखना होगा। अगर हमारी सिंगल फेज सप्लाई है, एक लाइन और न्यूट्रल है और एक अर्थ की नॉब है तो हमारी क्रॉस आर्म्स की लेंथ 510 mm ली जाती है जहां न्यूट्रल और अर्थ के बीच में हम 450 mm सेपरेशन रखते हैं। और ऐसी 510 mm लेंथ की 65 by 65 एंगल आयरन की 6 mm थिकनेस की क्रॉस आर्म्स का वेट 3 kg के आसपास है। क्रॉस आर्म्स को पोल सपोर्ट पे अटैच करने के लिए हम एक माइल्ड स्टील का फ्लैट 50 mm by 6 mm डायमेंशन का पीस लेते हैं अप्रोप्रिएट लेंथ और बेंडिंग के साथ। हम क्रॉस आर्म्स को पोल सपोर्ट के साथ यहाँ 2 16 mm डायमीटर और 60 mm लेंथ के हाई टेंसाइल स्टील के जो बोल्ट बने हुए हैं उन पे हम हेक्सागोनल शेप के नट और स्प्रिंग वॉशर से क्रॉस बार्स को पोल के ऊपर क्लैंप कर देते हैं। जब हम क्रॉस आर्म्स को फिक्सिंग करते हैं तो हमें लाइन में जो ओरिएंटेशन है उसे ध्यान में रखना चाहिए ताकि लाइन की जो वर्टिकल वेट है वो क्रॉस आर्म्स के ऊपर आए और क्लैंप पे अनड्यू स्ट्रेसेस और इंसुलेशन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। जब हम इंसुलेटर की पोजीशनिंग करते हैं चाहे वो पिन इंसुलेटर हो या डी क्लैंप या स्ट्रैप में लगा हुआ शकल इंसुलेटर हो, क्रॉस बार्स की एज से 30 mm की दूरी हमें मेंटेन रखनी है दोनों तरफ से। जब लाइन में एंगल डेविएशन 30 डिग्री से ज्यादा हो या फिर हम कोई परपेंडिकुलर टी ऑफ बना रहे हैं तो हम एक ही पोल पे 2 straight MS की क्रॉस बार्स का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेन टाइप शकल इंसुलेटर को डी क्लैंप या स्ट्रैप में कनेक्ट करके जंपर की मदद से लाइन के इंटर कनेक्शंस करते हैं। और ऐसे डबल चैनल क्रॉस आर्म्स का इस्तेमाल हम एंकरिंग पोल्स या कट सेक्शन पोजीशंस पे ज्यादा एंगल डेविएशन लोकेशंस पे रिवर्स
सर्वर या कम्युनिकेशन लाइन या रेल और रोड की क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको LT लाइन में कंडक्टर सपोर्ट स्ट्रक्चर और क्रॉस आर्म्स के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप LT लाइन में इंसुलेटर, अर्थिंग, स्टे सपोर्ट्स और दूसरे ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और LT लाइन की डिजाइन को भी समझ सकते हैं। उम्मीद है इन लर्निंग वीडियो से आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आप तरक्की करें, ज्यादा नॉलेज पाएं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।